हेलो दोस्तों, सैंडविच को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, जिसे हल्की फुल्की भूख में या ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। मैं बनाऊंगी बांद्रा की सबसे फेमस चीज़ सैंडविच बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया, मैं इसमें ऐड करूँगी 4 लहसुन की कलियाँ, गार्लिक क्लव्स। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, 1/2 कप फ्रेश धनिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पीनट 1/2 कप, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए स्मूथली पेस्ट चटनी बन के हमारी तैयार हो गई है। तो हम इन्हें एक छोटे से बॉल में निकाल लेंगे, सर्व कर लेंगे। चटनी तो रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 से 7 आलू को बॉईल करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो बिना छिले हुए इन्हें सबसे पहले बॉईल कर ले, उसके बाद ही आप इसको पील करके मैश कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर फॉक की मदद से मैश किया है, आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। हमें बहुत ही इन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ पर आलू मैश हो चुके हैं, मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिए, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई मैं इसमें मिलाऊंगी। बस हमें और ज़्यादा मसाले इसमें मिलाना नहीं है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी सैंडविच बनके तैयार होगी। तो इन आलुओं को हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिस को कट कर लिया, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च, कैप्सिकम बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने बंद गोभी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कुकुम्बर ककड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक काट के आप वेजिस को रख सकते हैं। ये मैंने सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ब्रेड में इसमें नॉर्मली बना सकते हैं, स्क्वायर ब्रेड में। तो सबसे पहले हम ब्रेड पर बटर स्प्रेड करेंगे अच्छे से। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट टेक्सचर आता है सैंडविच का। हम इसमें ग्रीन चटनी जो हमने पहले से बना के रखा था वो स्प्रेड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम ग्रीन चटनी लगाइए। आलुओं को जो हमने स्टफिंग के लिए तैयार किया था, आलुओं को स्प्रेड करेंगे चटनी लगाने के बाद। ये हमारी सैंडविच की जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो हम वेजीज को इसमें डालेंगे। सबसे पहले बंद गोभी, आनियन प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर मैंने इसमें बारीक काट के रखा था वो भी हम इसमें डालेंगे, कैप्सिकम हम इसमें डालेंगे, शिमला मिर्च, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। चीज़ तो सबकी फेवरेट होती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप अपने मन पसंद के हिसाब से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ को ग्रेट करके ऐड किया है, और दूसरे ब्रेड की स्लाइस पे मैं सबसे पहले बटर लगा लिया है मैंने। इसके बाद हम इनके ऊपर से पैक करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि दोनों ब्रेड की स्लाइस आपस में मिल जाए। यहाँ पर मैं दूसरी सैंडविच भी बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने बटर स्प्रेड किया है, उसके बाद ग्रीन चटनी, इसी के साथ मैं इसमें आलू की स्टफिंग हम इस पर स्प्रेड करेंगे, और जितनी भी वेजीज हमने कट करके रखा था, आप चाहे तो इसमें ककड़ी कुकुम्बर है वो भी बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट टेक्स्चर आएगा। शिमला मिर्च, बारीक प्याज, टमाटर, वेजीज ऐड करने के बाद हम इन्हें इस पर चीज़ ग्रेट करके ऐड करेंगे। चीज़ अपने मनपसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप सैंडविच बनाकर रख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। तो चलिए अब हम इन्हें ग्रिल करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया, आप चाहे इन्हें नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले पैन को बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ फैला देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, हल्की आँच में हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे, और इसकी साइड भी हम चेंज कर देंगे। एक साइड अच्छे से जब ये ग्रिल हो जाए तो हम इसकी साइड बदल दे देंगे। दोनों साइड अच्छे से ग्रिल होने के बाद गोल्डन, इसका कलर गोल्डन हो गया है और ये अच्छे से सिक गई है, आप देख सकते हैं। परफेक्टली हमारी जो सैंडविच है, ग्रिल सैंडविच तैयार है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अभी हमारी ये सैंडविच परफेक्टली बनी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन्हें कट करूँगी पीसेस में, उसके बाद हम इन पर चीज़ ग्रेट करके ऐड करेंगे, क्योंकि ये चीज़ सैंडविच है और बांद्रा की सबसे फेमस है। तो हम इसे चीज़ से कोट करेंगे फुल, और टेस्टी गर्मा गर्म हम चटनी केचप के साथ सर्व करेंगे। भरपूर चीज़ सैंडविच हमारी तैयार है।
कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता है, कोई भी मना नहीं कर सकता है। तो इस सैंडविच को, इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।